जी कार्रवाई होनी चाहिए बढ़िया डाल जो जो थे वे सारे पकड़े होने चाहिए जी। तू बटे उन्हें मेरा थप्पड़ मारा था। हाँ ससुर की भी नंगा जी बिल्कुल कुसुम के ऊपर गलत वो करता था। न्याय सही और कुछ नहीं समझा बस। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं खड़ा हूँ न्यात गांव में, गुहाने के पास है न्यात गांव, सोनीपत जिला गांव है ये। यहाँ जैसे कि पिछली वीडियो कल एक दिन पहले दिखाई थी कि कल वाली रात गांव गोपालपुर में खरखोदे से लगा हुआ गाँव है सोनीपत जिला गाँव वो भी, कि एक कुसुम और ईशांत नाम के उसके बेटे की दो की हत्या कर दी गई। वो हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका पिताजी। आज हमारा कल्चर जी ये बोला है कि भाई लड़के लड़की में फ़र्क नहीं है, जैसे लड़का 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, कोई अनपढ़ हो, दिमागी रूप से कमज़ोर हो या कोई हैंडीकैप्ड हो जाए, लंगड़ा लूला जी कहते हैं जैसे, वो माँ बाप के घर पर पूरी ज़िंदगी बिता ले। मानते हो ना आप लोग? लड़की इतना बोझ बन गई जी, लड़की तो अगला घर दिखाना चाहोगे चाहे कुछ भी हो, लड़की अपाहिज हो चाहे हैंडीकैप्ड हो, ऐसा लड़के लड़की में इतना फर्क क्यों हो रहा है जी? ये लड़का लड़की में जी इतना फर्क ये हो जी, जो लड़की थी हमारी बेटी की वो मौसी वो जो बुआ है वो बोली मौसा मैं इसको यहाँ पर डालूंगी। मैं बोला भाई क्यों तू यहाँ क्यों पर डालेगी इसको, टोटो यानी माँ इसकी रही, पिताजी इसके रहे, दादाजी इसके रहे। बोला मौसा पिताजी तो इसका भाग जाता है, मम्मी इतना देखभाल नहीं कर पाती, पैसे नहीं जी। और जो आज ऐसी घड़ी में मियां बीबी के झगड़े में आप देख रहे हैं, बड़े हैं जो एक 30 साल की कुसुम बेटी, उनके चाचा पिताजी के समान बैठे हैं, एक ताऊजी बैठे हैं, आज ऐसे झगड़े में लड़कियां क्यों मारी जा रही हैं, लड़के क्यों नहीं मारे जा रहे हैं? लड़के क्यों मारे जा रहे जी? लड़की और लड़की पक्ष, लड़की भी और लड़की पक्ष, लड़की का माई का पूरा इतना कमजोर बन गया है, क्योंकि लड़की को तो बलि चढ़ना है, चढ़ना सेफ्टी कैसे रहेगी उनकी? वो तो जी इसीलिए बलि चढ़ाए गए ना जी, हम यहाँ से बोल उसको खुरका धमका के भेज देते उन बच्चों के वास्ते, कि ये बच्चे आगे बड़े होने से अपना घर बसा लेंगे, अपनी मम्मी को संभाल लेंगे। लड़की कमजोर यूं होगी जी, इधर से तो आप लोग समझा बुझा भेज दो और वहां जाते फिर ऐसा दिखे शेर मुंह बारा खाने के लिए, यहाँ से समझा बुझा कर आप लोग भेज दो हो और उधर झगड़े के लिए एक शेर मुंह बारा है वो खाएगा, आपकी लोक लाज के मारे चली जा है उधर फिर शिकार होना, तो ये गलत करे मैं सही करे जी? नहीं जी आप सही कहे हो जी, ये बात इसी वजह से मतलब जी हमने ये पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, गरीब आदमी थे जी, रोज उनको पैसे दे दे तब तो मना के रखे। तो सासू माँ ठीक थी? सासू माँ इसकी बढ़िया थी, उसके बाद ही मैं ये बुआना गांव से गोपालपुर आए, गोपालपुर में आने से तो इनने पूरा आदमस उतारा जी। जी के दोनों भाई और माँ खड़े हैं, तो ये भाई भी कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे बेटे आप लोग? जी माम ननू को बेरा लगना चाहिए, कौन था हमारी बाण मारा और बाण जीरे ये पता दे दो, मार तब पूछ कौन था भाई, इतना कहना चाहूंगा। और कसूर क्या था बाण का? कसूर कसूर कुछ नहीं था जी, बस हमने ये बेरा लाया था, कैसे मारी, कैसे मारी और क्यों कर मारी और कह देने दे जी, बस हम ये पूछना चाहूंगा उससे और कुछ हम नहीं करते। आज पिताजी इनको नहीं है, ये 3 आदमी की फैमिली है, आपकी बेटा शादी हो रही कोशिश होगी? ये 3 आदमी है, चौथी से बड़ी बहन थी वो कुसुम, आज ये सिर्फ आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं और इतना ही कह रहे हैं ये कि मारी बहन को इंसाफ चाहिए और हमने कम से कम ये तो पुष्टि हो जाए कि मारी बहन का अक्सर कसूर क्या था, ये जानना चाहते हैं। और अपनी बहन को लेके इस कार्रवाई के बदले क्या कहना चाहोगे आप? जी कार्रवाई होनी चाहिए बढ़िया डाल जो जो थे वे सारे पकड़े होने चाहिए जी। हाँ जी मामना और के मंजन था जो जो मारण में थे सारे आने चाहिए जी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, जो जो दे जी, बस हम ये चाहे वो बताया जाए कि मार रखे हैं क्यों कर मार रखे हैं, हमने बस यो चाहिए और हमने उस तक कुछ नहीं लेना देना जी, धरती ने धरती मारी वो बकवा के बेच का खा गया जी, घर हमने बनवाया सब कुछ हमने पचाया कर दिया जी, आड़े दे वो दादी तीर्थ फल कर दादी, मैं एक बार मेरी बहन को छोड़ने का जब मेरे को थप्पड़ मारा था जी, सरपंच के सहमी उनके गांव के सरपंच के सहमी। आपको थप्पड़ किसने मारा था? उसने मेरे जिद्दा ने, शमशेर ने जी। किस बात को लेकर? मेरे बेबे ने छोड़ने के लिए कहा था जी मैं,
घर में नहीं चाहती इसको लेकर लेकर जाए यहाँ से। अरे मैं बोला महा भाई महा जी आया संदीप यहाड़े रह गया बोलो लेना को नहीं रहा। उसने आया जी सा उसका सरपंच भी नहीं गांव का था वो है उसने मेरा थप्पड़ मारा वो सरपंच नो लिया भाई तने का थप्पड़ क्यों मारा गलत करा तने वो माँ बा कोई नहीं मार लंदे बड़ा है बड़ा। फिर मैंने मेरे काका के पास फोन किया वहाँ काका नो और नो कह रहा वो थप्पड़ मारा उसने मेरा काका नो लिया बेटा कोई रोड़ा रबदा नहीं करना अपने छोड़े बेबे ना आ जाइए मैं बेबे ने छोड़ गया जाल लग गया जी अरे वो फिर बेबे ने लिया काटे हाथ पकड़े बाहर लकड़े फिर मैं भीतर बढ़ गया मैं यार बाहर को ना जावा मैं छोड़ना रहा बोला तू सपोर्टर है महा मैं जी मैं महाड़े रह गया मिलाड़ा मैं रहने नहीं दी वो डंडा ठा गया मारने भाग गया और उनसे मैं बीच में बढ़ गया जी। फिर महा मैं एक रात आड़े रहूँ मार महा हाड़े रह गया रात फिर काट गया दिखाइयो ये बात हुई थी। फिर वो मैं छोड़ के अगले दिन आ गया था जी फिर और कुछ नहीं बात हुई फिर वो फिर वो उड़े थे लकड़ गया था अपना जोड़ा ठा गए वो बुआना चला गया था आपको सबको छोड़ गए थे हाँ और वो उसी दिन बैग ठा गया अपनी भाभी के पास चला गया था बुआना जी। और फिर वो अगले दिन मेरे को पता नहीं आया कि नहीं आया मैं अगले दिन वहाँ से आ गया था जी। धन्यवाद। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखी है और इसमें क्या सही लगे आपको क्या नहीं कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर देना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।